अरे आपको 3 बार ये घंट बजाने के बाद ही अंदर आना है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। ससुमा, आपने वादा किया है ना, तो पछी। और आप जब इतना कुछ कर रही हो तो सच्चे दिल से और बिना क्लेश भाव के कीजिए, तो फल ज्यादा अच्छा मिलेगा। देखो, किसी और को भुगता के ज्ञान बांट रही है। बस हे कृष्ण भगवान, कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपने कितनी आसानी से शंख बजाया था। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे शंख बजाना सिखा दीजिए भगवान। ले, अरे साव आसान छे ससुमा। देखिए, शंख को ऐसे होठों से लगाइए, लेकिन उससे पहले दोनों साइड गालों में एकदम हवा भर के रखिए और फिर हवा को बाहर फूंकिए, फिर देखना शंख बजने लगेगा और फिर हंगामा हो जाएगा। हंगामा? मेरा मतलब है कि आपके रूम में जो वो सारी नक्टुविटी है ना, वो सब भाग जाएगी। आप कोशिश कीजिए ससुमा। जय श्री कृष्ण। कुछ नहीं हो रहा है। वीरा, आपको पता है ना कि आज आपको एक प्लेट कम रखनी है। हाँ मई भाभी, इसीलिए मैंने दिन ते लथी है। देखो, ओ माय गॉड, तो एक प्लेट को क्या हुआ, टूट गई क्या? दिमाग का वास्तु दोष कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा वीरा। भाभी, भूल गए भाभी, सासुमा को अपने लिए खाना खुद बना के खाना है। हाँ। क्या क्या मुसीबत मोल ली है मैंने। अरे कन्हैयालाल, हाँ मुझे जरा आटा गूंद के दो ना। माफी मैडम, मैं आपकी मदद तो कर दूं, लेकिन वो दत्ता माता ने बोला है मैं आपकी मदद करूंगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है मैं कर लूंगी। वैसे भी खुद ही कुल्हाड़ी पे पाव डाला है मैंने, देख क्या रहे हो, जाओ। आपने खुद नहीं, आटे में पानी ज्यादा डाला है। माफी माँ, माफी। मॉम, आप इस बिस्तर पर सो तो पाएंगी ना? नहीं। क्यों सासुमा? क्या सासुमा? सागर, मुझे तो लगता है मैं को ही यहाँ सोना चाहिए। हाय हाय, क्यों? क्यों क्या, मुझे सब पता है, तुम ये जानबूझ के कर रही हो मुझे सताने के लिए। आप मॉम, जब आप सागर, जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर हमें बीमारी के बारे में बताते हैं तो हम तुरंत दवाई लेने नहीं जाते, हम दूसरे डॉक्टर को भी कंसल्ट करते हैं, करते हैं ना? एक मिनट, अब बीच में डॉक्टर कहाँ से आ गया? क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। झटका माता ने बता दिया कि हमें ये करना चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें वो करना चाहिए। अरे हमें किसी दूसरे वास्तु महाराज को कंसल्ट करना चाहिए, है कि नहीं सागर? और ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारी नेगेटिविटी मेरे ही रूम में है। नहीं नहीं मॉम, कूल डाउन, रिलैक्स मॉम, आप किसी तरह आज यहाँ सो जाइए, मैं कल किसी दूसरे नामी वास्तु महाराज को लेके आता हूं। आप बस। क्यों? अच्छा, ससुमा, ठीक है, चलो आज के दिन आप ना जगत गुरु झटका माता की बात मान लीजिए, नहीं तो फल नहीं मिलेगा ना। बस अबे चांपली, ससुमा आपने वादा किया था। पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं इस घास के बेड पर। ओहो, हे भगवान, शंख फुला फुला के अब तो मेरे फेफड़े ही बाहर आ जाएंगे, और वो घास के बेड पे सोने के बाद तो मेरे कमर की बैंड बज गई है। ससुमा, लेकिन आपको फल भी मिलने वाला है ना। आइए बाबा, आइए। सागर जी, ये कौन? मैं, ये चॉकलेट बाबा हैं। क्या, चॉकलेट बाबा? हाँ हाँ मॉम, ये बाबा आशीर्वाद के साथ साथ चॉकलेट भी बांटते हैं, पूरे रास्ते में खाता हुआ है मॉम। शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा है, तुम दूर ही रहो तो अच्छा होगा नारी।
लेकिन क्यों बाबा? ये अपने केश ऐसे ही खुले रखती है। हाँ बाबा, इनका नाम म से शुरू होता है। हाँ हाँ, नहीं मिली। क्यों? ये तो नाइंसाफी है। तुम निगेटिविटी के शिकार हो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे ऊपर निगेटिविटी के काले बादल मंडरा रहे हैं। इन काले बादलों को हटाने के लिए तुरंत कुछ उपाय करना होगा, अन्यथा मुझे भी यही लगता है बाबा। ससमा, मुझे नहीं लगता हो? बाबा हमेशा सही कहते हैं। ऐसा कौन सा उपाय करना पड़ेगा बाबा? इसे मौन रहना होगा। इन तो मुश्किल है। और इसे बिना तेल मसाले का भोजन करवाओ। और इसके गुरुजन यानी सासू माँ, जो माँ समान होती है, वो जो भी कहेंगी इसे करना होगा। तब जाके ये निगेटिविटी के काले बादल छट जाएंगे और पॉजिटिव का सूर्य उदय होगा। और हाँ, इन्हें दिन में 100 चॉकलेट खाने होंगे। 100 चॉकलेट? मही, बैठ। पता है ना बाबा ने क्या कहा था? बिना मसाले और नमक वाला खाना खाना है। चुपचाप खा ले। जल्दी जल्दी खा, जल्दी, आज रात खत्म होने से पहले खाओ। अभी तो और 50 खाने हैं तुम्हें। धोखा? और तुमसे? कभी नहीं। धोखा दिया है, दिया है, दिया है। अरे मही, तुम्हें याद है ना कि तुम भूल गए? अरे तुम्हें मौन रहना है बाबा, एकदम चुप चुप चुप। मौन? और मैं? कभी नहीं। अरे मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है अम्बे माँ। और सागर जी, आपने सासू माँ के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। नहीं नहीं मही, देखो मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है। सागर जी, मेरा ये हाल ना आपकी वजह से ही हुआ है। अरे आप भी तो लेकर आए हो ना वो चॉकलेट बाबा को। अरे चॉकलेट चॉकलेट करके मुझे 100-100 चॉकलेट खिला दी। अरे मही, तुम गलत समझ रही हो। गलत नहीं, बिल्कुल सही समझ रही हूँ सागर जी। मेरा ये हाल आपकी वजह से हुआ है ना, तो अब आपको इसका हल निकालना होगा।